गुड इवनिंग, मेरा नाम संजय शर्मा और मैं स्काई ट्यूटोरियल से हूँ। स्काई ट्यूटोरियल कभी नगर दुर्गापुर में है। यह इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग है जो कि 15 सालों से चल रही है और इसके टीचर्स हैं जो वो भी आईटीएस और मेडिकल कोच हैं, ठीक है। और आप क्लास 10th के बच्चे, अगर आप लोग अभी से फाउंडेशन कोर्स करते हैं, फाउंडेशन कोर्स क्या होता है पता है? फाउंडेशन कोर्स ये होता है जैसे आपको जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसका आप लोग प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो हमारी इंजीनियरिंग मेडिकल कोचिंग है, तो अगर आप लोग मैथ से बायो लेते हो, ठीक है, अधिकतर देखा गया है कि जो बच्चे फाउंडेशन कोर्स करते हैं वो फर्स्ट सेकेंड में इंजीनियरिंग और मेडिकल निकालते हैं, तो जो कि एजुकेशन फील्ड में 13 से 14 सालों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं आपको पार्ट 20 का फर्स्ट राउंड का टेस्ट लाया हूँ। इस टेस्ट में जो भी बच्चे फर्स्ट सेकेंड काम करेंगे इन बच्चों को ट्राई कर सकते हैं। सेकंड नंबर का टेस्ट हमारे सेंटर पर होता है, उस टेस्ट से आपके फायदे होते हैं। अगर आप अंडर 50 आते हैं तो लॉजिक उर्दू और एजुकेशन यानी रहना खाना पढ़ना तीनों कोचिंग की तरफ से फ्री हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं देना होगा। यह एग्जाम हो सकता है कि सेंटर पर आप लोग रहना खाना पढ़ना दे रहे हैं तो टफ लेंगे। टफ इसलिए है कि बनारस से करीब 7-8 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आसान भी है। आसान इसलिए पूरा बोर्ड पैटर्न का सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ जो पढ़ा 50 का सेकेंड राउंड का टेस्ट है तो उसका डेट मैं जिस दिन प्राइज आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने आऊँगा उस दिन मैं अनाउंस करूँगा। तो मैक्सिमम बच्चे तैयार रहना, तैयारी करना स्टार्ट कर देना अभी से, इससे आपको दो फायदा होगा। पहला फायदा होगा कि आपका 10th का जो सिलेबस है उसकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। दूसरा फायदा होगा कि हमारे सेंटर का आप एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ निकल जाएगा तो आपको रहना खाना पढ़ना की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप उस पर डिपेंड करके आप क्या करना चाहते हैं। इसका डेट मैं जिस दिन प्राइज दे रहा हूँ एक अनाउंस करूँगा और अभी एक्सर जो भी आपको पेज दोगे इसी पैटर्न का वहाँ क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पर दो चैप्टर है वहाँ पर पूरा सिलेबस है तो आपको अच्छे से तैयारी करना है। एक और मेरे तो सेक्टर एग्जाम में मैं चाहूँगा हर बच्चा पार्टिसिपेट करें, वहाँ एग्जाम निकले या ना निकले लेकिन आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग 10th या 12th के बाद से कम्प्यूटर एग्जाम देना स्टार्ट कर देते हैं, 10th के बाद से बहुत सारे फॉर्म आप भी आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ गड़बड़ी ना हो इसलिए हम लोग भी टेस्ट कराते हैं। यहाँ पर आप मुझे करो गवर्नमेंट का जो फॉर्म आते हो हम मुझे करते हैं, फर्स्ट सेकेंड में आपको फाउंडेशन 10th के बाद आप लोग 11th में फाउंडेशन करोगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। चूँकि आप ड्यूटी बोर्ड के बच्चे हो, ड्यूटी बोर्ड के बच्चे को फायदा क्या होगा, हमारे यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम जो आती है वो प्रॉब्लम नहीं है। चूँकि हमारे यहाँ जो मटेरियल दिया जाता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ तक कि पढ़ाया भी जाता है, जो किताबें होती है ड्यूटी की डेली प्रैक्टिस पेपर होता है, टेस्ट सीरीज होता है, जो अभी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको देखना उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों, ठीक है। उसी टाइप का क्वेश्चन भी सेट ना करना है जिससे कि आप 2-3 महीने में आप इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट हो जाए, दोनों लैंग्वेज आपको आने लगती है और आपका बेस तैयार हो जाए। चूँकि इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें आपका यही 9th, 10th, 11th, 12th का सारा क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड आगे रहता है, ठीक है। तो अभी से आप लोग प्रैक्टिस करो तो उसका आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है उसमें जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोग अपने टीचर से डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन करने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। प्लस बाकी चीज़ें जिस दिन मैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने आऊँगा आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग बेझिझक मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और आंसर की अभी लगा दूंगा तो आपको मिला जरूर मिलेगा, ठीक है।